नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। शासकीय खजाने में सेंधमारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ब्रीच प्रमाणीकरण संस्था के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और बैंक प्रबंधकों की मिलीभगत से 10 करोड़ की सरकारी धनराशि का गबन किया गया है। इस अंतर्राज्यीय गिरोह ने कुटरचित दस्तावेजों के जरिए धनराशि निकालकर जमीन खरीदी और उस पर लोन लेकर गबन की रकम चुकाने की योजना बनाई। जोन 3 नगरीय पुलिस भोपाल की SIT टीम ने समय रहते इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड BD नामदेव को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के अधिकारियों की मिलीभगत भी उजागर हुई है। चलो, इसमें यह है कि 1.5 महीने पहले शासकीय एक संस्था है, MP बीज प्रमाणीकरण जो संस्था है, जो बीजों की जो क्वालिटी वगैरह जो चेक करते हैं, जो शासकीय संस्था है, इनकी यहाँ पे एक ऑडिट हुआ था। उस ऑडिट में इनको पता चला है कि 10 करोड़ का एक FD एक साल पहले 2023 के दिसंबर के महीने में इस संस्था ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कोतवाली की जो शाखा है, कोतवाली अपने भोपाल कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर जो शाखा आता है, उसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपया FD डाला था। वो अभी उन लोगों ने ऑडिट के टाइम में उसको वेरीफाई किया तो वो खाते में जो पैसा गया था वो वहाँ पे नहीं है। वो खाता किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ के पैसे को दाएं बाएं कर दिया है, ऐसा उन्होंने हमें हमारे यहाँ पे सूचना दी थी, जिसके आधार पर FIR रजिस्टर करके हम लोगों ने एक SI। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता में सरकार पर किसानों के दमन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों को अब 50 की जगह सिर्फ 40 किलो खाद मिल रही है और उनकी मांगों को अनदेखा कर गिरफ्तारियां हो रही हैं। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, साथ ही सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कल पूरे प्रदेश में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सरकार पर भाईचारे के प्रयासों को खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को संभल और गोरखपुर जाने से रोका जा रहा है। सब लोग यहाँ आए, आपको धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। आज जो स्थितियाँ हैं इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जो हालात है आप देख सकते हैं कि किसानों के ऊपर अत्याचार ये सरकार कर रही है। किसान आज अपनी मांग पर अड़े हैं और इनको इसके पहले भी केवल और केवल झूठे आश्वासन, झूठी बातें कही गई। उनको केवल इसलिए कि वो एक अपना आंदोलन खत्म किए चले जाएं, सालों आंदोलन चला, आज देखिए वो फिर किसान फिर वही मांग लेकर, वो सरकार नहीं मानी फिर वही मांग लेकर फिर आप डटे हुए हैं। आज उनके खिलाफ ही अत्याचार अन्याय सरकार कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज उनको जेल भेजा जा रहा है। MSP की जो मांग जो उनकी थी, खाद की किल्लत है पूरे प्रदेश में, आज बीज उपलब्ध पूरे जनपद में एक गरीब आदमी निषाद की हत्या की जा रही है और उसमें वहाँ पर दुख की घड़ी में उसके घर हम जा रहे हैं, संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं और ये सरकार हमको जाने नहीं दे रही है, घर में नज़र बंद कर रही है, हाउस अरेस्ट कर रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है और निश्चित तौर से आज अपनी चीज़ों को दबाना चाहती है। अत्याचार अन्याय भी करो, एक हमारे यहाँ कहावत है जबरा मारे रोवे न दे, वो हाल कर दिया इन्होंने पूरे तरीके से। इसी तरह संभल नहीं जाने दिया, इसी तरह बहराइच नहीं जाने दिया और आज गोरखपुर नहीं जाने दे रहे। हमारे नेता राहुल जी जाना चाहते थे, हम सब लोग जाना चाहते थे, बहराइच और संभल नहीं जाने दिया। आज वो डेलीगेशन गोरखपुर जा रहा है, निषाद के घर जा रहा है, गरीब आदमी के घर जा रहा है और उसे भी आज घर के अंदर हाउस अरेस्ट नज़रबंद कर दिया गया। इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हम सब लोग पूरी ताकत से सरकार कितना भी अत्याचार अन्याय कर ले, कितनी भी अमनस्ता फैला ले, हम कल ब्लड डोनेशन करेंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये लाल खून, इसका रंग लाल होता है, ये खून हमारा दिया हुआ एक है। हम राहुल जी हमारे नेता हैं, राहुल जी निश्चित तौर से इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान है। राहुल गांधी के साथ हिंदुस्तान की जनता खड़ी है, लोग खड़े हैं,
चुनाव हारना जीतने का कई कारण हो सकते हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे देश की जनता पूरी ताकत के साथ खड़ा है और राहुल जी हमारे नेता। देश का भविष्य जो है किसानों और नौजवानों के हैं, दोनों बेबस हैं, कैसे देखते हैं सर? निश्चित तौर से किसान आज बेबस है, देख रहे हैं कांटे लगाकर रोका गया, फिर रोका जा रहा है। नौजवानों के साथ ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है, नौकरी दे रही है न उनको काम दे रही है, प्रताड़ित कर रही है। कांग्रेस के समय में नौजवान भी खुश था, हमारे जवान भी खुश थे और किसान भी खुश था। हम निश्चित तौर से इनके साथ खड़े। प्रियंका जी हमारी देश की नेता, सर्वोच्च नेता हैं और निश्चित तौर से पूरे देश की कमान वो काम कर रही हैं। हमारे वायनाड की सांसद हैं, उनकी जहाँ इच्छा होगी वो काम करेंगी। हम सब प्रत्येक कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 31 दिसंबर 2024 को नशा मुक्त महिला फुल मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह दौड़ नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत दुबघा से बिटौली तक दो राउंड में आयोजित होगी, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को नशे से दूर रखना है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस वर्ष भी पिछले साल की तरह महिलाओं की इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे और प्रथम स्थान पर 5 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर 3 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर 1.5 लाख रुपए। इस आयोजन में 20,000 से अधिक वॉलंटियर्स की भागीदारी और लाखों दर्शकों की उपस्थिति की उम्मीद है। मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं और कैमरामैन साथियों, नया वर्ष 2025 आने वाला है और जैसा कि आप सब लोग जान रहे हो कि हमारा देश जो है बड़े पैमाने पर नई पीढ़ी के लोगों को नशे में तेज़ी से उसमें लिपटते चले जा रहे हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसके तहत बड़े पैमाने पर ड्रग्स सप्लाई हो रही है। यहाँ पर स्मैक, ब्राउन शुगर, गांजा, अफीम, चरस, कोकीन, विभिन्न प्रकार के नशे की वजह से नई पीढ़ी के लड़के कम उम्र में मौत के मुँह में संभाल रहे हैं। आपको सबको मालूम है कि मेरा खुद का बेटा आकाश किशोर, घर का नाम जेबी, वो विगत 19 अक्टूबर 2020 को शराब के नशे की वजह से जो लीवर डैमेज हुआ उसके कारण डेथ। बहुत ज़रूरत है, आज़ादी के आंदोलन में सन 1857 से 1947 तक राजीव दीक्षित जी के अनुसार करीब 4,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, लाखों लोग जेल में रहे। लेकिन जो नशे का कारोबार है इसकी वजह से रोज़ाना करीब 3800 लोगों की मौत हमारे देश में कैंसर से होती है, जिसमें 12 प्रकार का कैंसर शराब के पीने से होता है, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, जीभ का कैंसर, जबड़े का कैंसर, ये तंबाकू के पदार्थ खाने पीने से होते हैं। इसकी वजह से करीब कैंसर से लगभग 14 लाख लोग हर साल और शराब की वजह से करीब 20 लाख लोगों की हर साल मौत होती है। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन चला था देश को नशे से बचाने के लिए, आप सब लोग मीडिया बंधुओं की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और आपके सहयोग से इसका तेज़ी से प्रचार प्रसार होगा और बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर ये आंदोलन तेज़ होता चला जा रहा है। लगभग 80 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में हमने नशा न करने का संकल्प लोगों को कराया है। इस साल 2025 में अब तक के जब से इसको शुरू किया है 2020 से और अब तक करीब 2025 में लगभग 25 करोड़ लोगों को नशा ना करने का संकल्प कराने का टारगेट है।
यूनिवर्सिटी के लोग, स्कूल के लोग, पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, कर्मचारियों के दफ्तर में, अधिकारियों के दफ्तर में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम में छठे क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। उन्होंने 2585 करोड़ रुपए की लागत से 82 औद्योगिक इकाइयों का एक क्लिक में शुभारंभ किया, जिससे 5700 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। डॉक्टर यादव ने उद्यमियों की बधाई दी, भूमि आवंटन पत्र सौंपे और 1200 एमएसएमई इकाइयों को 367 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया। यह सम्मेलन निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को एक वर्ष पूरा होने जा रहा है और नर्मदापुरम में यह छठी रीजनल कॉन्क्लेव होने जा रही है। आपको बता दें, इस बैठक और इस मीट में किस तरह से रोजगार मिलेगा उसे बात करें तो सफल आयोजन कहा जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर वर्तमान की स्थिति में मोहन यादव ने कई आने वाले इंडस्ट्री के मीटिंग की है, टीमों से बात की है, उद्योग लगाने वाले जो दल आए हैं उनसे वन टू वन चर्चा की है और इस चर्चा के बाद से लगातार यह सफल आयोजन दिखाई दे रहा है। नर्मदापुरम की कॉन्क्लेव में आज यह सफल आयोजन इस तरह से भी रहा कि 18,000 करोड़ का निवेश होना और 24,000 स्थानीय लोगों को यहां पर रोजगार मिलने की बात भी क्लियर हुई है। आपको बता दें, कई ऐसे लोग जो कि यहां पर आए जो इन्वेस्टमेंट करेंगे और उन्हें 20 लोगों को प्रमाण पत्र भी दिया है जमीन आवंटन को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने। लगातार मध्य प्रदेश रोजगार और यहाँ के व्यापार को बढ़ाने के लिए डबल इंजन सरकार से मिलकर लगातार कार्य कर रही है। एक वर्ष में उन्होंने यह छठी सफल एक मीट की है। डॉक्टर मोहन यादव लगातार रोजगार और प्रदेश के विकास के लिए कार्य करते रहे हैं और करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं तन मन धन और पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश को एक अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर रहा हूं और अभी भी हूं और रहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने मुझ पर जो विश्वास जताया है और एक वर्ष जो हमारा सफल रहा है, इसी के साथ एक नई सफलता और नई सफल की कड़ी को जोड़ा जाएगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार मोदी सरकार से मिलकर मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार विकास के कार्यों पर ही सिर्फ काम कर रही है। मोहन सरकार का सीधा कहना है कि हम डबल इंजन सरकार जो कि मोदी जी के कहे अनुसार जिन योजनाओं को कार्य किया है उन योजनाओं के साथ यहाँ पर उद्योग को लेकर लगातार बैठक और जितनी भी कोशिशें हो रही है वह लगातार की जा रही है। साथ ही जब वह 6 दिन विदेश घूमकर आए थे तब भी उन्होंने यह सफलता की बात मीडिया को बताई थी। इसी के साथ आज जब नर्मदापुरम में यह सफल आयोजन हुआ तो इससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि लगातार अब मध्य प्रदेश में विकास होगा और होकर ही रहेगा। मोहन सरकार का सीधा साफ तौर पर कहना है कि हम रोजगार और उद्योग के प्रति हमेशा सजग रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता को एक ऐसे ऊंचाइयों पर ले जाना है जो कि मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो और यहाँ मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश के अलावा भी देश और विदेश में भी नाम जाना जाए। इसी के लिए लगातार यहाँ पर छठी मीट जो मीटिंग हुई है डॉक्टर मोहन यादव ने आज उसे सफल करके दिखाया है। मैं हॉर्नबिल टीवी के लिए भोपाल से अमरीश शर्मा। बलिया के बादिलपुर गांव में महावीर सिंह इंटर कॉलेज में प्रतिमा अनावरण के दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी शासनकाल में अपराधों को लेकर तीखे आलोचना की। संबल की घटना पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने आरोप लगाए कि इसमें विपक्षी नेताओं के नाम संदिग्ध के रूप में सामने आ रहे हैं। अभी आप कहां पे आए हुए हैं और किसका मूर्ति का अनावरण हुआ है?
बाबूबेल निवासी डॉक्टर महावीर सिंह जी जो बलिया के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनके आज मूर्ति का अनावरण था। आज उनकी पुण्यतिथि थी, उसी के आज मूर्ति के हम लोग लोकार्पण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए थे। डॉक्टर महावीर सिंह बलिया के चिकित्सा क्षेत्र में उनका और उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उनके परिवार में दर्जनों चिकित्सक हुए जो अपने आप को बड़े शहरों को छोड़ करके बलिया में ही वो चिकित्सा प्रैक्टिस शुरू किए और यहाँ के लोगों की सेवा किए। ये बहुत समाज सेवी परिवार है और इंटर कॉलेज भी डॉक्टर महावीर सिंह जी के नाम से ही है। तो यहीं पर आज कार्यक्रम था, उसी में हम लोग उपस्थित थे। अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाया है डिजिटल अरेस्ट को लेकर। जिस तरीके से घटना घटी अभी हाल ही में, उन्होंने सवाल उठाया है कि पहले पुलिस की वर्दी पहनकर अब पुलिस थाना दिखा। डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण और एसपी विक्रांत वीर के नेतृत्व में की गई बड़ी कार्रवाई में जयप्रकाश नगर थाने के सभी कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसपी विक्रांत वीर द्वारा कदाचार के आरोपी की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। कथित तौर पर रिश्वत के बदले शराब से लदी गाड़ी को छोड़ने के आरोप में चौकी इंचार्ज गुरु प्रसाद सिंह, जो 3 साल से इस पद पर थे, को निलंबित कर दिया गया है। कदाचार के अतिरिक्त आरोपों में वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में शराब बरामदगी की रिपोर्ट तैयार करना भी शामिल है। सब इंस्पेक्टर गुरु प्रसाद और कांस्टेबल सचिन के साथ साथ ब्रिजेश, अभय और चंदन रजक को भी निलंबित कर दिया गया है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उनके कामकाज के तरीकों की जांच के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने सभा को संबोधित करते हुए भारत की बांग्लादेश के निर्माण और विकास में भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। श्रीवास्तव ने यूनुस पर शांति और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें अपना नोबेल शांति पुरस्कार वापस कर देना चाहिए। अशफाक उल्लाह खान, आज आप लोगों के द्वारा जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर क्या? बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है वो हद से हद ज़्यादा बिगड़ चुका है। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, सबके साथ बलात्कार हो रहा है, लूट खसोट हो रही है, सरकारी नौकरियों से निकाला जा रहा है, रोज़गार बंद किया जा रहा है, दुकानों लूटी जा रही हैं। तो इस पर वहाँ की सरकार नाकाम रही। मोहम्मद यूनुस जो शांति पुरस्कार नोबेल विजेता हैं वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और नोबेल पुरस्कार शायद उसको वापस करना चाहिए, अन्यथा वो वहाँ पर दंगा बंद कराएं। प्रधानमंत्री मोदी से क्या मांग करते हैं? तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश पर एक्शन लिया जाए, चाहे वार्ता के जरिए और चाहे बलपूर्वक, लेकिन एक्शन लिया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत देश में लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। आज आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बांग्लादेश को भारत सरकार की सेना और भारत सरकार के और अन्य मंत्रालय ने बांग्लादेश का निर्माण किया, बांग्लादेश के उत्थान में, उसके विकास में सहयोग किया, आज वहाँ पर हिंदुओं पर जो विभत्स अत्याचार हो रहा है वो मेरा कहना है कि वो तुरंत रुकना चाहिए, वरना वही भारतीय सेना बांग्लादेश को नेस्तानाबूद करने के लिए भी सक्षम है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जिस यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार उन्होंने लिया है और अगर बांग्लादेश में वो शांति स्थापित नहीं कर पाते हैं और हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो वह शांति का नोबेल पुरस्कार वापस कर दें। बांग्लादेश होश में आए, वरना वो बर्बाद हो जाएगा। भारतीय सेना पूर्णतया सक्षम है। बांग्लादेश मुर्दाबाद। आप लोगों के द्वारा किसका पुतला फूंका गया है आज? मोहम्मद यूनुस, जो इस समय बांग्लादेश में सरकार चला रहे हैं, जो अनैतिक रूप से काबिज हुई
उस सरकार को चलाने वाले बांग्लादेश के यूनुस को मेरी चेतावनी है और उनके लिए संदेश है। यहाँ पर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, लगातार भारत देश में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार जो वहाँ पर अत्याचार नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। केंद्र सरकार ने बस्तर छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 दिसंबर को बस्तर का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने और अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे। अमित शाह सुरक्षा बलों के साथ बैठक करेंगे, शहीद जवानों के परिवारों से मिलेंगे और छत्तीसगढ़ ओलंपिक के समापन समारोह में भाग लेंगे। इस अभियान के तहत अब तक कई इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया है और बड़ी संख्या में गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण हुए हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को चेतावनी दी है कि वे पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करें या सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मंत्री अमित शाह जी जगदलपुर आएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ बस्तर ओलंपिक में वो शामिल भी होंगे। उस दिन समापन का दिन होगा। विशेष रूप से उस दिन ऑपरेशंस में भाग लेने वाले ऐसे कमांडर्स जिन्होंने बहादुरी से नक्सलवाद के समापन के लिए काम किया है, उनके साथ डिनर भी है उनका। दूसरे दिन सुबह 16 तारीख को दो माने शहीद परिवारों से मुलाकात और साथ ही साथ एक कैंप का भ्रमण, यह भी उनका है। LWE की एक बैठक भी फिर 16 तारीख को रायपुर में है। इस तरीके से एक रात यहाँ रुकेंगे और उस बस्तर ओलंपिक में भाग लेंगे। आप भी हिरमा के गांव गए थे क्या मंत्री? वो तो और आगे जाएंगे। कल फिर नक्सलियों ने कायराना हरकत है, कायराना हरकत है। आम लोगों को, आम जनता को मारना, जितने लोगों की आप देखेंगे सूची उठा करके हजारों ग्रामीणों को मार दिया, ये कह के कि इससे मिला उससे मिला, किसी का गला, ऐसी बात थोड़ी होती है। ये गलत तरीके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, असम से वो पूरे लोग आ रहे हैं जो पहले उग्रवादी थे, उन्होंने सरेंडर किया, आज वो MLA हैं। हमने ऐसे अन्य लोगों को भी जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में काम करके जिन्होंने मुकाम हासिल किया है, नक्सलवाद का ये हथियारबंद या हथियार लेकर जंगलों में घूमने के अतिरिक्त, उनको भी आमंत्रित किया हुआ है। प्रेरणा का विषय सबको समझना होगा। माननीय केदार जी, हो गया। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV।